नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है कल्याण जीजाना, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाउंडर एंड चेयरमैन। मेरे साथ में है वर्किंग प्रेसिडेंट गौरव अनिल शाह, हमारे प्रेसिडेंट शिव आर्यन जो नया प्रेसिडेंट मैंने बनाया, इसके अलावा मेरे महिला प्रेसिडेंट और ग्लोबल प्रेसिडेंट नेशनल माई लवली वाइफ अंकिता जाना, इसके अलावा तमाम DPIF टीम मेंबर पूरी इंडिया के, इसके अलावा हमारे जो मुंबई के साथ साथ इंडिया के साथ साथ जो दुबई में हमारा टीम है, यूए में जो हमारा टीम है, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु समान यूए के सीनियर प्रेसिडेंट मेरे बड़े भाई जितेंद्र कुमार सिंगला साहब को मैं नमन करता हूं। इसके अलावा यूए के प्रेसिडेंट डॉक्टर बू अब्दुल्ला जी, यूए के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र कुमार मटलानी जी, यूए के वाइस प्रेसिडेंट महिला जागृति मैडम जी, जागृति सोनी जी, दुबई के सीनियर प्रेसिडेंट मेरी बहन नागमा खान, दुबई के सीनियर प्रेसिडेंट हमारे अनिल सुरेन जी, दुबई के प्रेसिडेंट शेख कलीम जी मेरा भाई, दुबई के महिला प्रेसिडेंट और साथ में दुबई के वाइस प्रेसिडेंट हमारे अमरान जी, और मेरी बहन हिना दीदी, हिना कुमार, थैंक यू सो मच दीदी, हिना मैडम, हिना दीदी, और साथ में अदनान भाई को मेरा नमन है, हमारे साहिल भाई जो दुबई के वाइस प्रेसिडेंट है, और अमन जी जो दुबई के वाइस प्रेसिडेंट है, साजाद जो उनको साजाद बोलते हैं, साजाद उनका नाम बेसिकली साहिल है, वो वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा वो जो तमाम जो और जो दुबई के मेरे लोग हैं उन सभी को मैं नमन करता हूं। मैं सभी को जेके ग्रुप ऑफ कंपनी हमारे, इसके अलावा IFL ग्रुप ऑफ कंपनी, तमाम लोगों को मैं नमन करते हुए सभी को मैं आज जो आपको बोलने जा रहा हूं, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के बाहर दुबई में रिप्रेजेंट किया है, दुबई में कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया जो कल्याण जी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो दुबई में तुम कर रहे हो, लेकिन एक अवार्ड शो पिछले दिन कुछ दिन पहले हुआ था, बोलता है वो असली है। सर, असली नकली कुछ नहीं होता है। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स एक एनजीओ है, एक रजिस्टर एनजीओ है, जो एनजीओ भारत सरकार को टैक्स दे रहा है, जिस एनजीओ के अंदर हमारे पैन कार्ड है, जिस एनजीओ का हमारे आईएसओ सर्टिफिकेट्स है, एमएसएमई सर्टिफिकेट्स है, गवर्नमेंट से दिया हुआ जो ये सर्टिफिकेट है, मैं आज दिखा रहा हूं मैं ऑन मीडिया में, ये देखिए गवर्नमेंट से दिया हुआ सर्टिफिकेट है हमारा पास। ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं जो हमारा एनजीओ कोई ऐसे हमने नाम ले लिया, ये सर्टिफिकेट्स है हमारा पास, गवर्नमेंट का दिया हुआ सर्टिफिकेट्स है, ये एनजीओ है हमारा। तो दोस्तों, आज जितने भी लोग मेरे पीछे पड़ा है, आज बहुत सारे मीडिया में चल रहा है जो दादा साहेब फाल्के फेक अवार्ड है, दादा साहेब फाल्के बहुत लोग कर रहे हैं, दादा साहेब फाल्के दिस इज नॉट दादा साहेब फाल्के, यस दादा साहेब फाल्के भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के भारत सरकार साल में एक बार एक स्टार को देता है राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति जी के हाथों से। लेकिन यह संस्था जो हमारे एनजीओ, उसके अंतर्गत हम बहुत सारे अवार्ड शो करते हैं, और ये एनजीओ, ये संस्था दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म जो हमारा संस्था है, ये स्टार को हम दे रहे हैं, संस्था दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो भारत सरकार के अंतर्गत हम दे रहे हैं, नहीं, जो हमारा भारत सरकार ने हमारे जो संस्था है, संस्था जो हमें दिया है अथॉरिटी, उसके अंतर्गत हम लोगों को सम्मान करते अवार्ड देते हैं, तो ये अलग है, भारत सरकार जो देते हैं वो अलग है। तो दोस्तों, आज काफी सारे दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है, लेकिन ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है जो हमारा पास है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स के जो टीम है,
बहुत प्राउडफुल करना चाहिए, बहुत प्राउड होना चाहिए जो हमारा पास सब सर्टिफिकेट्स हैं और हम दुबई में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दुबई का ट्रॉफी है मेरा, हम दुबई में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दादा साहेब फाल्के जी को जिस तरीके से दुबई में या इंडिया के बाहर काफी सारे अवार्ड शो होता है, लेकिन कोई भी अवार्ड शो में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये इस सुपरस्टार, ये हमारा सुपरस्टार, हमारा भगवान है, हमारा इंडस्ट्री का जन्मदाता है, उनको किसी ने भी रिप्रेजेंट नहीं किया। तो अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। दादा साहब फाल्के को दुबई में लोग जान रहे हैं, वर्ल्ड के लोग जान रहे हैं। इसके अलावा हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश के कल्चर को, देश के टूरिज्म को। इसके दादा साहब फाल्के ने कहा हम कर रहे हैं, दादा साहब फाल्के तो कर रहे हैं शो, इसके अलावा हमारा और शो हो रहा है, इंटरनेशनल एजुकेशन आइकोनिक अवार्ड, द इंटरनेशनल रियल एस्टेट बिजनेस आइकोनिक अवार्ड, द इंटरनेशनल ब्यूटी आइकोनिक अवार्ड, द DPIF लाइफ स्टाइल आइकोनिक अवार्ड इंटरनेशनल। इसके अलावा द DPIF मिस एंड मिसेस इंडिया एंड दुबई कल्चरल इंटरनेशनल फैशन शो, जो हम देश के कल्चर को, देश के टूरिज्म का रिप्रेजेंट कर रहा है दुबई जैसे कंट्री में, सिटी में, यूए में, जो दुनिया उसको देखेगा, जो हमारा 35 स्टेट जो हमारा भारत में है, उस 35 स्टेट के कल्चर, उसके टूरिज्म, उसकी खान पान, वो सब चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इसके अलावा यूए का 7 स्टेट और इंडिया का 35 स्टेट, ये दोनों कंट्री का स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर रहा है अपने कल्चर को, टूरिज्म पे पहली बार हो रहा है इतिहास में, ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के जी के नाम से जो हमारा अवार्ड शो होता है वो हम कर रहे हैं। तो हम सभी से निवेदन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो देता है दादा साहेब फाल्के वो हमारा नहीं है, गवर्नमेंट साल में एक बार देता है, ये निजी संस्था कर रहे हैं। ये एक संस्था है जो दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स बोल के हमारा एनजीओ है, वो एनजीओ दादा साहेब फाल्के जो इस एनजीओ के माध्यम से हम स्टार को अवार्ड दे रहे हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। बाकी जो लोग कर रहे हैं घर गली में दादा साहेब फाल्के जी के नाम से, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेस्टीजियस अवार्ड है, ये जो अच्छे जगह पे हो कम से कम, लेकिन वो गली गली में आजकल हो रहा है, तो ये इसका जो गरिमा है, इनका जो गरिमा है ये कम हो रहा है। तो आज काफी सारे मीडिया में मैंने देखा उसमें लिख के आ रहा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड धोखा है, ये है, वो है, फलाना फलाना फलाना, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन है, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है बिना 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 रजिस्ट्रेशन का। इसके अलावा देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों हम जो भी कुछ कर रहे हैं ऑन पेपर कर रहे हैं और आपके सामने है सब कुछ। तो दोस्तों आप सबको बोल दो, जो भी लोग बोल रहा है जो ये सच है, ये झूठा है, कोई अगर पैसा डालकर ब्लू टिक लेकर, कोई सच्चा नहीं होता है, पैसा डालकर है ना, इंस्टाग्राम में ब्लू टिक, फेसबुक में ब्लू टिक, वो करके बोलता नहीं मेरा ओरिजिनल है। अरे हम भी पैसा वो डाल के ब्लू टिक कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। ये जो सर्टिफिकेट्स है जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें दिया है, ये ब्लू टिक से नहीं होता भैया, ये गवर्नमेंट देता है। तो गवर्नमेंट ब्लू टिक नहीं देता है, ब्लू टिक तो भाई पैसा डाल के भी ले, वो ले सकता है, लेकिन ये पैसा डालकर नहीं। तो दोस्तों डिफरेंट है। आज बहुत लोग बोलता है उसका ब्लू टिक है, तुम्हारा ब्लू टिक नहीं है, हमारे पास ये है, जरूरत नहीं हमारा ब्लू टिक, हम टैक्स भरते हैं, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास ISO सर्टिफिकेट है, MSME सब कुछ है हमारे पास, खाली ब्लू टिक नहीं है तो ठीक है ना, हम भी डाल के पैसे से हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों मैं सभी को नमन करता हूं, सभी मीडिया को नमन करता हूं, बॉलीवुड अड्डा को नमन करता हूं, मेरे भाई कमाल खान को नमन करता हूं, धर्मेंद्र पाजी को नमन करता हूं, मेरा दोस्त यहां बैठे हैं, मेरा भाई, मेरे गौरव अनिल शाह को नमन करता हूं, मेरा नया अध्यक्ष शिव आर्यन को नमन करता हूं, मेरी लवली वाइफ अंकिता जाना को नमन करता हूं, मेरी लवली डॉटर अविका जाना को नमन करता हूं, साथ में तमाम टीम मेंबर मेरे जितेंद्र कुमार सिंगला साहब को मैं नमन करता हूं हाथ हाथ जोड़ के, एंड DPIF के तमाम टीम मेंबर, दुबई के टीम मेंबर। रॉक होगा 15 और 16 मार्च को दुबई में होगा रॉक, जो लोग मेरे पीछे पड़ा है पढ़ने दो, मैं करेगा, मेरी टीम करेंगे और रॉक होगा जिसमें हम सभी को बुला रहे हैं
और इसके अलावा मैं आपको बात बोल दूं, बहुत जल्द हमारे असम का जो अध्यक्ष है हमारे दास साहब, तो वो उनकी आदर्श मतलब उनकी सहयोग में हमारे असम में गुवाहाटी में 10 फुट का दादा साहब फाल्के का पुतला लगने जा रहा है बहुत जल्द। उसका काम शुरू हो गया पुतला का। सबसे पहला मैं असम गुवाहाटी में मैं लगा रहा हूं, उसके बाद बॉम्बे में गोरेगांव में और साथ में बांद्रा में दो दो स्टैच्यू में लगा रहा हूं दादा साहब फाल्के का। इसलिए मैं जो काम कर रहा हूं अलग है, बाकी लोग काम करे ना करे, दादा साहब फाल्के से मेरा प्यार हो गया है। मैं स्टैम्प को देखो लेके घूमता हूं दिल में लगा के, चाहे वो मैं इंडिया के बाहर जाऊं, मैं इंडिया के कहीं भी घूमू, ये जो दादा साहब फाल्के का स्टैम्प है ये दिल में रहता है और मैं खुलता नहीं हूं, चाहे वो दुबई में हो चाहे वो एयरपोर्ट में हो। बहुत लोग पूछता ये क्या है, खोल दो, मैं नहीं खोलता हूं, दिल में लगे घूमता हूं मैं इस इंसान को, क्योंकि ये मेरा भगवान है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 15 और 16 मार्च को दुबई में, रॉक होगा और रॉक करके हम दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर, जय मुंबई, जय महाराष्ट्र, जय दुबई।